एक्स प्लस तीन बराबर क्या करना है, 24 लिखना है, ठीक है। मतलब जो लिखा हुआ क्वेश्चन को ही लिख दिया मैंने इसको, अब इसको सोल्व करना है। 7x बराबर 24 हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है 7x बराबर, यहाँ पर कितना लिखेंगे 3, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा। उसके बाद लिखे x बराबर से कितना हो जाएगा 21/7, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो x का मान कितना हो जाएगा 3। अगर आपको देखिए ये तो समीकरण बन गया है, अब हमको लगता है कि इसको चेक करना है कि ये समीकरण जो हमने बनाया हूँ वो क्या है, गलत है या सही है। तो इसको हम कैसे करके बनाएंगे, चेक करना, ठीक है। नहीं समीकरण बनाने समझ में आया है कि जो दिया रहेगा उसको हमने क्या करेंगे, 7x/24 ये प्लस में था, उधर होकर के माइनस में चल गया। जब एक संख्या दूसरी साइड जाती है, राइट या लेफ्ट में जाती है, तो उसका चिन्ह में क्या होता है, परिवर्तन। चिन्ह के अनुसार उसमें परिवर्तन करना है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 21 आ जाएगा, इसलिए 21x बराबर से 21/7 काट दिए, 3 हो गया। अब लगता है कि हम इसको चेक करते हैं कि समीकरण क्या लिखना है, 7x प्लस में 3 बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ 7x का मान हमने कितना निकाला हूँ, 3 निकाला हूँ, तो यानी 7 यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस में 3 बराबर कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो 7x प्लस कितना, 3 बराबर से हो जाएगा 24, ऐड करेंगे कितना होगा, 24 बराबर से 24। यानी कहने की ये मतलब होता है कि LHS बराबर अगर RHS हो गया तो मतलब हमारा जो समीकरण बनाया हो वो क्या है, सही है। बात आया समझ में, तो चेक करने के लिए भी सीखें आप कि कैसे कर, चेक किया जाता है, कोई दिक्कत है।